नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। तो कल हमने देखा कि जो तीन तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हिट करने वाले, स्ट्रिंग वाले और ब्लो करने वाले, है ना। अभी उसके अंदर फिर ये कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसकी समझ होनी चाहिए अगर हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने हैं, तो वो तीन चीजें होती हैं। पहला होता है लेंथ, कि हमारा लेंथ कितना है जो भी हम जिस भी चीज को हम बजा रहे हैं, लंबाई। दूसरा होता है कि उसमें टेंशन, तनाव कितना है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका कि हम वैसे तो जो सही जानते होंगे वो समझेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ होता है, बट हम ये समझ सकते हैं कि उसका वजन अभी कितना होता है। अभी मतलब स्टार्टिंग के लिए हम इससे शुरुआत करते हैं कि जो हमारा जो भी चीज़ है उसका वजन कितना है, मतलब कितना मोटाई है उसकी, उस पर भी कैसी आवाज़ निकलेगी वो निर्भर करता है। और हम इन तीन चीज़ों में बदलाव करके जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज़ जो निकल रही है उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी एक खाली टेस्ट ट्यूब है ना, और मुझे पता है कि मैं इसमें फूकूंगा तो आवाज़ निकलेगी क्योंकि ये एक तरफ से बंद है। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने इस हाइट तक पानी भर लिया, अब देखते हैं अब आवाज़ कैसे निकलती है। ठीक है, थोड़ा और पानी भर लेते हैं, अभी इतना पानी इसमें हो गया है। तो क्या हुआ, क्या आवाज मोटी हुई, क्या पतली हुई, ये डिस्कशन आप कर सकते हैं कि पिच बढ़ गई या पिच कम हो गई। थोड़ा और पानी भर के देखते हैं, अभी लगभग आधे के करीब पानी यहां यहां तक पानी भर चुका है। तो क्या हुआ आवाज के साथ, क्या पतली हो गई, क्या मोटी हो गई? तो लेंथ बदल रहे हैं, जो पहला हमारा पैरामीटर है लेंथ का, उसको ध्यान रखिए, हम उसको अभी चेंज कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो आवाज है वो चेंज हो रही है। तो हम लंबाई को बदल के जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके आवाज जो निकल रही है उसमें अंतर पैदा कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा पानी हो गया इसलिए अब ये बजेगा ही नहीं। तो लेंथ का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है, ज्यादा भी हो जाए तब भी फर्क है ना। तो पतली होती चली जा रही आवाज, तो लेंथ एक पैरामीटर, ये हमारा आज पहला इंट्रोडक्शन है, बाकी के हम पैरामीटर धीमे धीमे देखेंगे। दूसरा, इसमें एक चीज और है जो मतलब मैंने कहा ना कि हर एक्सपेरिमेंट अगर आप उसमें से सवाल पूछो तो और नई चीजें निकाल कर ला सकता है। तो जैसे मेरे पास एक ये टेस्ट ट्यूब है जो इस टेस्ट ट्यूब से छोटी है, आपको दिख रहा होगा छोटी है और पतली भी है क्योंकि ये इसके अंदर चली जाएगी, है ना। मतलब ये इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये मोटा है, थोड़ा सा सरकमफेरेंस इसका बड़ा है, लेकिन ये पतली है। तो क्या इसकी आवाज और इसकी आवाज जब दोनों खाली है तो कुछ अंतर होगा? क्योंकि एक तो हम पानी भर के लेंथ बदल रहे हैं, लेकिन एक ऑटोमेटिक एक बाय डिजाइन लेंथ बदली हुई है। क्या अंतर होगा पिच में, फ्रिक्वेंसी में? एक ये है, दूसरा जो इनसे भी छोटा है लेकिन दोनों से मोटा है, मतलब ये इन दोनों से मोटा है, तो इसमें क्या फर्क आएगा पिच और फ्रिक्वेंसी में? ये एक सवाल होगा। पानी भरेंगे तो कहाँ तक वो पानी आएगा और क्यों निकलता है? बहुत सिंपल सी बात है कि इसका जो एयर कॉलम है, इसके अंदर जो हवा है वो वाइब्रेट कर रही है ना। आप पूछेंगे कि इसमें क्या वाइब्रेट करता है, जब हम फूकेंगे तो एयर वाइब्रेट कर रही है और उसके वाइब्रेशन से ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है।